गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू बैंकिंग एस्पिरेंट। आज है 1 जनवरी 2023 और आज RRBP और क्लर्क का रिजल्ट निकल चुका है। मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मैं मतलब कह रहा था कि आज जो भी होगा देखा जाएगा और वो मेरे लाइफ का शायद पहला एक स्टेज होगा। तो फॉर्चुनेटली मैं वो स्टेज मतलब जो वो स्टेज मिल चुका है और अनफॉर्चुनेटली वो RRBPO नहीं है। मेरा RRBPO क्लियर हुआ नहीं है। मैं स्कोर कार्ड अभी दिखा दूँगा फ्रंट में। मुझे मिला है 46.05 और जो असम का कट ऑफ है वो है 48.18। तो मैंने वो जो 80-20 वाला जो रेशो होता है वो सब करके मैंने देखा कि मुझे इंटरव्यू में मिला कितना है। तो इंटरव्यू में मुझे उतना घटिया मार्क्स दिया नहीं है। मुझे मिला है 75 और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है वो 75 के लायक भी है। शायद ये वैसा ही होगा कि टाइम थोड़ा कम होगा तो उन्होंने एक एवरेज मार्क दिया है। तो वो मार्क्स जो 2 मार्क्स था फिर मैंने कैलकुलेट किया कि वो एग्जैक्टली अगर मुझे कट ऑफ क्लियर करना होता तो मुझे कितना चाहिए होता। तो वो 85 पॉइंट समथिंग है, डेट इज़ 86। तो 75 से 86 तक पहुंचने के लिए शायद मुझे बस वही है, अगर मैं इंटरव्यू को उसी बैंकिंग फील्ड में रख पाता, अगर मैं वो बाहर जाने ना देता, अगर NBFC वाला पार्ट में नहीं बताता या फिर मतलब उस साइड में मैं जाने नहीं देता तो शायद वो हो जाता। बट जो है वो जो हो गया सो हो गया, वो कुछ कर नहीं सकते। तो RRBPO नहीं हुआ लेकिन मेरा RRB क्लर्क हो गया है असम ग्रामीण विकास बैंक में। और कट ऑफ जो है वो असम में है कितना गया हाँ 56 गया और मुझे मिला है, मैं स्कोर कार्ड फिर से दिखा दूंगा, 61.25। तो एक अच्छा मार्जिन ही है। अगर वो 61.25 आउट ऑफ 100 है, वो मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और आउट ऑफ 200 मिला है 122.50, जिसमें रीजनिंग में मुझे 40 में मिला है 36.5, कंप्यूटर में मिला है 33.25, GA मेरा सबसे बेस्ट जो सेक्शन है सार्केस्टिकली 7.5। ये कभी ठीक नहीं होगा, मतलब मैं रीजनिंग में और इंग्लिश कंप्यूटर में मैं ट्राई रीजनिंग और मैथ्स में मैं ट्राई करूँगा, पर GA से मैं मतलब काइंड ऑफ मैंने ये कर लिया है, मेरे से नहीं होगा। मैथ्स में 19 मिला है, इंग्लिश में 29 है, और थोड़ा मिलता है इंग्लिश में तो अच्छा था। पता नहीं क्या हुआ नहीं, वही एज यूजल ओवर कॉन्फिडेंस, उसी वजह से टोटल 122.50। और RRBPO हुआ नहीं है, उस बात का थोड़ा दुख है, बट इट्स ओके। मैं जिस सिचुएशन में था, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड था, उससे मैं लिटरली अभी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कुछ भी हो थोड़ा कम होगा बट स्टिल मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। मेरा अभी जो भी एग्जाम्स अभी बाकी वो है IBPS PO prelims, सॉरी IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO मेंस के बाद मतलब इंटरव्यू फेज अगर सिलेक्ट हुआ तो, और SBI। तो अगर लेट्स से उनमें हुआ नहीं तो मैं डेफिनेटली इसको ही मुझे करना होगा, या फिर मैं करूँगा, हैप्पीली करूँगा। और मैं उसके बाद अगर अगले साल एक बेटर जॉब के लिए मैं पढ़ता रहूँगा तो कम से कम मैं अपने जो खर्चे मैं आराम से खुद उठाऊँगा। आई एम रियली हैप्पी उसकी वजह से। तो ठीक है, एक लाइफ का एक अच्छा स्टेप मतलब एक पार्ट काइंड ऑफ कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है कि अगर मुझे बेटर जॉब मिलता है, अगर SBI PO भगवान करे हो जाए, IBPS PO हो जाए, तो वो एक अपग्रेड होगा। मतलब वो एक नया चीज़ नहीं होगा, वो अपग्रेड होगा क्योंकि जॉब काइंड ऑफ मिल चुका है, तो बस वो बेटर होगा। तो ठीक है, अगर आपका अगर एग्ज़ाम इस बार क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट, SBI में अपना बेस्ट दीजिए। SBI क्लर्क एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अब असम से हो तो असम में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। यूजुअली असम में बढ़िया वैकेंसी उतना आता नहीं है, इस बार RRB क्लर्क में आया है और SBI क्लर्क में आया है, और यूजुअली तो कम रहता है। अभी RRBPO में सिर्फ 15 वैकेंसीज है, तो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ अपने टीचर्स का को मतलब बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, डिवोट कीजिए अपना पूरा टाइम, असिस्टेंट रहिए हमेशा, जो टीचर कहें जो करे, जैसा करने को कहे वैसे कीजिए, किसी भी दिन फिसल मत जाइए। मूवी वगैरह ये सब आता रहेगा, रिलीज़ होता रहेगा, ये सब मतलब छोड़ दीजिए, अभी उससे कोई वैल्यू नहीं। अभी मैं इतने सालों से मैं एक्चुअली गेम खेलता था, मैं बहुत मतलब ऐसे जो 2-4 नहीं, मैं मतलब अच्छा खासा खेलता था, मैं PC गेमिंग करता था। तो मैंने पिछले 2 साल से PC को हाथ नहीं लगाया और सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। और मुझे और 2 साल भी खेलना ना पड़े तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंटरेस्ट है। मैं समडे में भी एक PC गेमिंग में वापस कंटिन्यू करूँगा, पर अगर इस चीज़ को पाने के लिए मुझे और बहुत साल सेक्रीफाइस करना पड़े, सेक्रीफाइस नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं देखूँगा, कोई मूवी आता है नहीं देखना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपने गोल के ऊपर फोकस रहिए और हमेशा कंसिस्टेंटली ये ट्राई कीजिए कि ये जो स्टेज होता है ना, जो मतलब आप एक लायबिलिटी से एसेट बनते हो, ये बहुत एक अच्छा फीलिंग होता है। और लिटरली मैं पहले समझ नहीं पा रहा था जब लोग कहते थे कि पैसा एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता। हाँ वो है, पैसा उतना मैटर नहीं करता, पर जो ये जो पोजिशन है ना, जो आप मतलब नथिंग से समथिंग बनते हो, ये बहुत ही स्पेशल होता है। तो आई होप आप लोगों को भी वो दिन मिलेगा, और अगर आप लोगों का भी क्लियर हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो भी है कंग्रेचुलेशंस टू यू अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, आई होप ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए और
आप इस साल फोड़ दो या फिर अगले साल इसी जगह टाइम पे आप लोग अपना भी मतलब ऐसे कोई वीडियो बनाओ या फिर ऐसे ही स्कोर को शेयर कर पाओ अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगता है लोग मुझे शेयर ये कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, ये मतलब विश कर रहे हैं। तो वही आपका भी वैसा एक दिन है। ठीक भाई।